ऐसा दिखेगा पहाड़ों को चीरता हुआ विश्व का सबसे बड़ा रेल ब्रिज, जानिए क्या है खास। जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर बन रहा विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल अब आकार लेने लगा है। इस पुल के तैयार होने के साथ ही हम ऊंचे पुल के निर्माण में चीन को काफ़ी पीछे छोड़ देंगे। अर्धचंद्राकार यह पुल हर मायने में विश्व इंजीनियरिंग की मिसाल होगा और इसकी ऊंचाई एफिल टावर से 35 मीटर अधिक होगी। इस पुल पर 100 किलोमीटर की गति से ट्रेन दौड़ सकेगी। अब भारत ऊंचे पुल के निर्माण में चीन को छोड़ेगा पीछे। अभी तक चीन की शुईपुई नदी पर बना पुल करीब 275 मीटर ऊंचा है। चिनाब नदी पर बन रहे पुल के बाद भारत चीन से यह तमगा छीन लेगा। विश्व में पहली बार ऐसी तकनीक और उपकरण का हो रहा इस्तेमाल। चिनाब पुल में ऐसी तकनीक व उपकरण इस्तेमाल किए जा रहे हैं जो पूरे विश्व में अपनी तरह का प्रथम प्रयोग है। मसलन यह पहली बार है जब इतने ऊंचे पुल के निर्माण में मेहरबा तकनीक लॉन्चिंग आर्च को आधार बनाया है। पिछले साल ही इसका मजबूत मेहराब बनकर तैयार हो गया है। पुल निर्माण से पहले बनानी पड़ी सड़क। इस पुल के निर्माण पर 24,000 टन इस्पात का इस्तेमाल किया जाएगा। दुर्गम क्षेत्र में बन रहे इस पुल के निर्माण के लिए साजो सामान पहुंचाने तक के लिए सड़क भी नहीं थी। प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि इस पुल का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले 20 किलोमीटर की लंबी सड़क और 400 मीटर की एक गुफा का निर्माण किया गया। पुल की भार क्षमता 500 टन होगी। पुल का निर्माण कार्य 2004 में शुरू हुआ था। अब कोंकण रेलवे द्वारा अफगान कंपनी को इसका जिम्मा सौंपा गया। निर्माणकर्ता कंपनी ने पुल की मजबूत को लेकर 120 साल की वारंटी दी है, जबकि उसका दावा है कि पुल 500 साल तक टिका रहेगा। पुल की चौड़ाई 13 मीटर है, जिसमें 150 मीटर ऊंचे कुल 18 पिलर होंगे। पुल पर ट्रेन और पुल के ढांचे में पुल की नींव और पिलर पर 10 mm वर्ग मीटर जगह में 120 टन वजन पड़ेगा। पुल की भार वहन करने की क्षमता 500 टन होगी। यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे की गति की हवाओं का वेग सहन कर सकेगा। सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से तैयार हो रहा पुल। क्षेत्र में डोलोमाइट रॉक यानी वह चट्टानें हैं जिनमें दरार होती है और वह दबाव के कारण बैठ सकती है। यह क्षेत्र भूकंप के लिहाज से सिस्मिक जोन 4 में आता है। यहाँ हर 2 से 3 मिनट में 1 से 3 रिक्टर स्केल या भूकंप आता है, लेकिन पुल को सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। यह बड़े भूकंप को भी झेलने में सक्षम है। किसी कारणवश एक साथ 7 पिलर भी क्षतिग्रस्त हो जाए तो भी पुल पर रेल परिचालक बाधित नहीं होगा। क्यों अहम है यह प्रोजेक्ट? 111 किलोमीटर लंबे कटड़ा बनिहाल मार्ग पर रेल संपर्क में कश्मीर देश से सीधे रेल मार्ग से जुड़ जाएगा। फिलहाल बनिहाल से बारामूला के बीच रेल लाइन है, लेकिन कटड़ा व बनिहाल के बीच रेल मार्ग नहीं है। इस काफ़ी दुर्गम मार्ग है और इस मार्ग को पूरा करने के लिए कई पुल और गुफाओं का निर्माण किया जा रहा है। चेनाब पुल उनमें से सबसे अधिक ऊंचाई पर है। रेल मंत्री का ट्वीट, कमाल की इंजीनियरिंग। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पुल के निर्माण कार्य की जानकारी देते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, चेनाब पुल जल्द अस्तित्व में आ जाएगा क्योंकि निर्माण कार्य जोरों से चल रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।